नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों 9 दिसंबर को लगने वाली है नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत की आप में से बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आई होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोक अदालत के माध्यम से अपने लोन का सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत में आपको सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और किस प्रकार से आप सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि बैंकों ने आपको प्री लिटिगेशन का भी एक नोटिस दिया हुआ है। प्री लिटिगेशन नोटिस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, यानी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बैंकों ने प्री लिटिगेशन का एक नोटिस भेजा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लोक अदालत में केस चलते हैं और उसके बाद फैसला होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें ये ढूंढते हैं नोटिस में कि इसमें तो केस नंबर ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं फेक है। लेकिन हम आपको बता दें कि लोक अदालत जो होती है वो मेडिएशन सेंटर होता है। लोक अदालत ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके और बैंक के बीच में जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उस विवाद यानी उस डिस्प्यूट को खत्म किया जाता है। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को सुनते हैं, फिर आदेश देते हैं। लेकिन प्री लिटिगेशन नोटिस आ रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, प्री लिटिगेशन नोटिस जो आ रही है, बैंक आपको लोक अदालत से पहले ही अपने ब्रांच में बुला करके वो आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। लेकिन प्री लिटिगेशन में आपको क्या नुकसान हो सकता है और लोक अदालत में आपको क्या फायदा हो सकता है? तो प्री लिटिगेशन में मैंने आपको बताया कि बैंक में ही जाकर के आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं लोक अदालत से पहले। अब लोक अदालत से पहले जाकर के आप सेटलमेंट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि ध्यान आपको देना है। अगर आप बैंक के साथ जाते हैं तो वहां पे आपको उतनी छूट नहीं मिलेगी जितनी छूट आपको लोक अदालत में मिलती है। हो सकता है कि बैंक इसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दे, इसमें आपसे साइन करा ले ऐसी जगह पे जहाँ पे अमाउंट नहीं भरा है, यानी कि ऐसे ब्लैंक पेपर पे साइन करा ले, किसी खाली फॉर्म पे साइन करा ले और बाद में जाकर के उस फॉर्म को भर के फिर वो लोक अदालत में उस पर ऑर्डर करा ले। तो प्री लिटिगेशन में आप अगर जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर के सबसे पहले तो आप उन पेपर्स को पढ़िएगा जो पेपर्स आपके सामने रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक ने जहां जहां साइन करने के लिए कहा आप वहां पे साइन कर लिए। देखिए, बैंक पैसा निकालने के लिए आपसे आपके ही बारे में बात करेगा। बैंक हमेशा आपको अपना हित समझेगा। बैंक कहे कि हम आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, हम आपके बहुत बड़े अपने सगे हैं, आपका ही हम भला चाहते हैं, तो इसीलिए आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए और आपका कम से कम में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जो फॉर्म होगा उस पर पैसा नहीं लिखा होगा, तो इससे नुकसान आपको यही होगा कि बाद में वो अपने मनचाहे अमाउंट को भर देंगे और फिर वो जाकर के लोक अदालत में उसमें ऑर्डर करा लेंगे। लोक अदालत में आपको जाना चाहिए क्योंकि वहां पर मैक्सिमम छूट मिलती है, 50% 60% आपको छूट मिल सकती है। लेकिन अगर लोक अदालत में आप गए और वहां पर मजिस्ट्रेट आपको नहीं मिले और बैंक के कर्मचारियों के द्वारा वहां पे अगर सेटलमेंट हो रहा है और वो सेटलमेंट अमाउंट आपके बजट में नहीं है, आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है जितना के पैसा वो आपसे मांग रहे हैं, तो आप लोक अदालत से वापस लौट आइए। लोक अदालत से वापस लौट के आएंगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार आपने लोक अदालत में जो फॉर्म दिया जाता है उस पर साइन कर दिया और उस पर मजिस्ट्रेट की मोहर लग गई, तो फिर उसको फाइनल माना जाएगा और फिर इसके बाद आप इसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास भी पावर नहीं होता है कि वह लोक अदालत में दिए गए निर्णय को पलट दें या फिर उसमें चेंज कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका रिस्क है कि आप लोक अदालत में अपनी जिम्मेदारी और अपने रिस्क पे जाएं। वहां पर आप जाइए, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन आंखें मूंद कर मत जाइए। वहां पर जाइए तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे उनको पढ़िएगा, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आएगा, आप वहां से किसी भी समय वापस आ सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार से पुलिस केस नहीं होगा, आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी दबाव नहीं होगा, किसी भी तरीके से समस्या नहीं आएगी।
लेकिन अगर आपने प्री लिटिगेशन में बैंक के ब्रांच में जाकर के साइन कर दिया या फिर लोक अदालत में गए और बिना पढ़े ही खाली फॉर्म पे साइन करके चले आए, तो फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ हो सकता है। फिर इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इसमें डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, क्योंकि ऐसे आदेश को यानी कि लोक अदालत में दिए गए फैसले को भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो यानी कि हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास, किसी भी प्रकार से किसी भी बॉडी के पास ऐसा कोई पावर नहीं कि उसको चेंज कर दे, उसमें मॉडिफिकेशन कर दे या उसको बदल दे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लोक अदालत में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सावधान होकर के जाइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक वकील कर लीजिए, अगर आपको वकील नहीं करना है, अगर आप जानकार हैं तो सारे पेपर्स को आराम से पढ़िएगा और फिर उसमें जा कर के सेटलमेंट करिएगा। सेटलमेंट अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घर वापस आ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आपने सेटलमेंट फॉर्म पे साइन कर दिया, एक बार आपने कहीं भी साइन कर दिया और बैंक ने उस पर लोक अदालत के मैजिस्ट्रेट का साइन ले लिया, उसको ऑर्डर मान लिया, तो वो सेटलमेंट माना जाएगा और फिर वहाँ से आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो प्री लिटिगेशन आपका होता है बैंक में, सेटलमेंट के लिए ही होता है और लोक अदालत में। तो प्री लिटिगेशन में आपको छूट कम मिलता है, हो सकता है बैंक आपका ब्याज थोड़ा सा माफ़ कर दे, हो सकता है कि वो केवल पेनाल्टी माफ़ कर दे, लेकिन आपका लोक अदालत में अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप दोनों की पेशी होती है, यानी बैंक का मैनेजर यानी अथोराइज ऑफिसर और आप, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको छूट मिल सकती है। अब इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितनी हो सकती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10% 20% पे होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कानूनी रूप से 50% तक छूट मिलती है, अगर इसमें ज़्यादा परेशानी आपको है तो 60% तक छूट मिलती है। अगर किसी को इससे ज़्यादा कोई छूट मिली है तो हर केस का मामला अलग अलग होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल 60-70% ही छूट मिलती है, अगर किसी केस में केवल 10% पे सेटलमेंट हुआ है तो हर केस अलग अलग होता है, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और इस तरह में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।